हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय मिसो। आज मैं आपके लिए स्वादिष्ट रबड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। सावन के महीने में मालपुए के साथ रबड़ी खाने को मिल जाए तो उसका टेस्ट दुगना हो जाता है। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं टेस्टी टेस्टी रबड़ी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। रबड़ी बनाने के लिए मैंने 1 लीटर फुल फैट मिल्क लिया है। इसी के साथ मैंने 100 ग्राम्स मिल्क पाउडर लिया है। थोड़ा सा दूध हम एक बाउल में निकाल लेंगे और उसमें हम मिल्क पाउडर को धीरे धीरे करते मिलाते हुए एक अच्छा मिक्सचर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, धीरे धीरे मिल्क पाउडर डालना है और उसे विस्कर की हेल्प से आपने अच्छे से मिक्स करते जाना है ताकि इसमें लम्स ना पड़े। दूसरी तरफ बचे हुए दूध को हम एक पैन में ट्रांसफर कर लेंगे। और इसी में हमने जो मिल्क पाउडर का मिक्सचर बनाया है उसे भी हमने दूध में ट्रांसफर कर देना है और अच्छे से मिक्स कर देना है। अब हम दूध को गैस पे बॉईल करेंगे अच्छे से। दूध को धीरे धीरे हिलाते हुए पकाना है ताकि ये नीचे से जल ना जाए। ये देखिए, बस इसको बस चलाते रहना और साइडों से जो जो मलाई है वो साइड पे लगती जा रही है उसको बीच में मिक्स करते जाना है ताकि एक लच्छेदार बढ़िया सी रबड़ी बनकर तैयार हो। फ्लेम को आपने मीडियम टू हाई रखना है। कंटिन्यूसली इसको बस चलाते ही जाना है आपको। और ये देखिए, उबाल बहुत अच्छे से आ गया है। ये हमारी रबड़ी बस बनने ही वाली है, थोड़े देर और। अब हमने इसमें 4 टेबलस्पून शुगर डाल देनी है क्योंकि मिल्क पाउडर का अपना ही मिठास बहुत होती है, इसलिए 4 टेबलस्पून सफिशिएंट है। इसके बाद हम इसमें 1/2 टेबलस्पून इलायची पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको और पकाएंगे और ये हमारी जो रबड़ी है थोड़ी थिक हो जाएगी। ये देखिए, रबड़ी थिक हो चुकी है। अब नीचे से गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, उसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए, रबड़ी अब ठंडी हो चुकी है। इसे हम 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में अच्छे से ठंडा होने के लिए रखेंगे। ये देखिए, हमारी अब लच्छेदार रबड़ी बनकर, टेस्टी टेस्टी रबड़ी बनकर तैयार है। देखते ही मुंह में पानी आ गया। और इसे हम गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट से। मैंने क्रश कर लिया है पिस्ता, बादाम, काजू। आप क्रश करके भी डाल सकते हैं, वैसे भी ऊपर से गार्निश कर सकते हैं। अगर आपको मेरी लच्छेदार रबड़ी की रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में। Thank you for watching.